हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम बैक अगेन विथ न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक हेलमेट के बारे में। तो मैंने हाल में ही एक हेलमेट परचेज किया है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल्स रिव्यू करेंगे और जानेंगे उसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो उस हेलमेट के जो कुछ फीचर्स हैं मैं आपको अभी बताऊंगा। मैंने इसका अभी परचेज किया है, तो अभी मैंने इसको ओपन कर रखा है, वैसे यूज नहीं किया है। तो फर्स्टली मैं सोचा एक इसके ऊपर ब्लॉग बनाते हैं और उसको दिखाता हूँ आप लोगों को। तो इसके कुछ फीचर्स हैं, उसको आज हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो और बताते हैं इसके कुछ फीचर। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये है SMK का हेलमेट्स। तो मैं इसको अभी ओपन करता हूँ, देखो आप लोग। तो मैंने इसका पहले ही ओपन कर दिया है, तो अभी देखते हैं। इसको रखते हैं साइड। तो कुछ इस तरह से दिखता है हमारा न्यूली परचेज हेलमेट। तो मैं आपको स्टार्ट कर दूं, ये है हेलमेट SMK का ब्रांड और इसका मॉडल है टाइफून। और टाइफून में भी इसका जो सीरीज़ का नाम है स्टाइल सीरीज है। तो ये आप देख रहे हैं, डॉट प्लस ISI प्लस डॉट ISI सर्टिफाइड है ये हेलमेट। और इस हेलमेट के अभी कुछ फीचर्स को जो है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट इसमें दे रखा है ये जो इसका है वेंटिलेशन के लिए, एक इसमें फर्स्ट इसका वेंटिलेशन फीचर्स और दूसरा एक वेंटिलेशन यहाँ पे दे रखा है। तो इसकी जो वेंटिलेशन है वो काफ़ी ही ज़बरदस्त है, क्योंकि और एक पीछे से यहाँ वेंटिलेशन मिल जाती है। तो कुछ इसमें वेंटिलेशन हो गया, और जो इसका लुक है आप मेरे को बताना आपको कैसा लगा। दूसरा इसमें मैं आपको दिखा दूँ, ये है डुअल वाइजर के साथ आता है, इसमें डुअल वाइजर है, डुअल वाइजर सिस्टम है। और जो ये इसका मेन वाइजर है, अभी मैंने इसको चेंज कर रखा है, इसका ये मेन वाइजर नहीं है। और मेन वाइजर इसका मैंने निकाल रखा है, क्योंकि मैंने इसके साथ एक एड ऑन वाइजर मंगाया था जो मेरे को अच्छा लगा था ये। तो इसका जो मेन वाइजर है वो है। और दूसरी खास बात इसमें यह है कि ये फॉग रेसिस्टेंस के साथ आता है। तो इसमें एक ये आपको दिख रहा है, पता नहीं, इसमें एक फॉग रेसिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये फॉग रेसिस्टेंस के बहुत काम आता है। तो ये काफ़ी अच्छा है जो इसका जो फॉग रेसिस्टेंस है, मतलब मेनली ये जब विंटर आएगा तो उस टाइम पे बहुत काम देगा, क्योंकि जब हम सांस को मतलब इन आउट करते हैं तो उस समय हमारे मुंह से जो वाप निकलती, तो जो वाइजर होता है उसमें काफ़ी फैडिंग कर देता है, तो इसलिए इसके बहुत काम आती है। तो इसका जो मेन वाइजर है जो इसके साथ आया था वो ये है, और दूसरा वाइजर है मैंने इसको लगा रखा है। और जो इसकी पैडिंग है वो काफ़ी अच्छी है, रिमूवल है, वॉशेबल है, आप इसको वॉश कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। और दूसरा इसका एक और यूनिक फीचर है, ये आप देखे हो हेलमेट में एक स्विच टाइप का आता है जिसको हम उसके अंदर प्रेस कर देते हैं और वो उसके अंदर फिट हो जाता है। पर इसमें ऐसा नहीं, इसमें स्नैप लॉकिंग सिस्टम है। स्नैप लॉकिंग सिस्टम क्या है, स्नैप लॉकिंग सिस्टम में हम लोग, अभी मैं आपको फंसा के दिखाता हूँ इसको। इसको यहाँ से फंसाओ और आपको दिख रहा है तो, और इसको यहाँ से निकाल लो। तो ये काफ़ी अच्छा लॉकिंग सिस्टम है। और दूसरा इसको यहीं पे, अभी मैंने हेलमेट उल्टा पकड़ा इसलिए मेरे को टाइम लग रहा है, अगर आप इसको पहनोगे तो उस समय आपको इसको फंसाने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये फंस चुका है, तो कुछ इस तरह से ये आपको दिख रहा होगा, मैं भी दिखा देता हूँ। और कुछ इसका जो लुक है कैसा लग रहा है, इसका जो कलर आपको कैसा लगा, और
इसके बारे में अभी मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा तो उस समय हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो अभी मैंने इसको यूज नहीं किया है, एक यू वेंटिलेशन आ गई है तो इसको मैंने अभी यूज नहीं किया है। तो अभी यूज करने के बाद और मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा वेट है इसमें। मेरे पास इससे पहले स्टेटस का था ठंडा, उसको मैं यूज़ करता था, उसमें वेट कम है, लेकिन इसमें वेट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अंत में और मैं बात करता हूँ इस हेलमेट की प्राइजिंग के बारे में। तो अगर आपको इस हेलमेट को परचेज करना है तो आप डिफरेंट साइट पे डिफरेंट जगह आपको ये अलग अलग प्राइस पे मिल जाएगा। अगर आपको इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 5120 रुपीज़, मतलब 5120 रुपये इसका एक्चुअल प्राइस है अगर आपको ये ख़रीदना है तो। और कई जगह पर ये ऐसे 4600 4800 ऐसे मिल जाता है अलग अलग साइटों पे। लेकिन देखो टाइफून का जो है उसके बहुत सीरीज हैं, जैसे इसका एक सीरीज पे कलर का जो मतलब टाइफून मॉडल है उस पे कलर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो कलर का भी बहुत मतलब जो कलर का है कलर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाता है कि उसका प्राइस उस समय क्या होगा। तो कलर के हिसाब से एबिलिटी भी हो जाती है कि कई कलर मिलते भी नहीं है। मेरे को खासकर ये कलर पसंद आया तो मैंने इस कलर को परचेज कर लिया है। और इसका जो मेरा प्राइस है वो मैं आपको कमेंट करके बताना, अगर किसी को जानना हो तो मैं इसका एक्चुअल प्राइस बता दूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना है, और ये हेलमेट आपको कैसा लगा इसके उसमें भी कमेंट करना। और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। और बहुत टाइम बाद व्लॉग बनाया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत।